दोस्तों, एलॉन मस्क को ट्विटर को बाय किए हुए पूरा एक साल हो चुका है। लास्ट ईयर 2022 के वक्त में 27 अक्टूबर को इन्होंने ट्विटर को बाय किया था करीबन 44 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर। और जैसे ही ये एक्विजिशन हुई थी और ये ट्विटर के ऑफिस के अंदर घुसे थे एक टॉयलेट सिंक लेके कि भैया अब मैं फ्लश करने वाला हूँ कई सारे लोगों को। और आते ही इन्होंने क्या किया था, CEO पराग अग्रवाल को निकाल डाला था, जिसके बाद में एक साल तक केस लड़ने के बाद में उनको क्या मिला, 42 मिलियन यूएस डॉलर तो नहीं मिले जिसके वो हकदार थे, दरअसल उनको सिर्फ 1 मिलियन डॉलर देकर ही निपटा दिया। तो यहाँ पर भी एलॉन मस्क का फ़ायदा हो गया। लेकिन एलॉन मस्क ने आने के बाद में इतने ज़्यादा चेंजेस किए थे जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अटपटे लग रहे थे। हम ये सोच रहे थे लगता है ये ट्विटर को पूरा बर्बाद करके रख देंगे, लेकिन भाई वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और जो जो चीज़ हमें गलत लग रही थी वो हमको ही गलत प्रूव करते चले गए। और आज ट्विटर को उन्होंने एक्स में बदल कर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया है। और इन्होंने क्या बड़े बड़े चेंजेस किए थे इस पूरे एक साल के दौरान जो कि हमको बेकार लग रहे थे, लेकिन इन द एंड इनके लिए काम कर गए। सो सबसे पहला काम इन्होंने किया था पराग अग्रवाल को निकालने का। मैं भी उनके साथ में कुछ बहसबाजी हुई थी शुरुआत में, जब इनके पास में नहीं था ट्विटर, तो उस वजह से वो गुस्सा वहाँ पर निकल गया होगा, मैं भी ऐसे निकल गया होगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ पराग अग्रवाल ही नहीं, इन्होंने मास ले ऑफ का एक अलग ही ट्रेंड चालू कर दिया था। इनके करीबन 7500 एम्प्लॉयज थे जिनको घटाकर इन्होंने 1500 कर डाला था। और इसके बाद में जो मास ले ऑफ का ट्रेंड था, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, दूसरी कंपनीज ने भी फॉलो करना चालू कर दिया था, जैसे कि मेटा ने, गूगल ने, अमेज़ॉन ने, और सभी ये फॉलो करते करते मतलब सारी दुनिया के अंदर ये हो गया था कि भाई मेरी जॉब ना चली जाए अब, तो इस तरीके का हाल इन्होंने कर डाला था। और अगर इन्हीं की कंपनी की बात करें तो इन्होंने 80% वर्कफोर्स निकाल डाला था ट्विटर का, जिससे कि इनका फ़ायदा क्या हुआ कि भैया उनको सैलरी नहीं देनी पड़ी और उतने लोग इनको फालतू लग रहे थे जिनको इन्होंने निकाल के 1500 कर लिया, तो ऑलमोस्ट इन्होंने 6000 लोगों को निकाल दिया था जिनके लिए बस फालतू में ही पैसा पहले जा रहा था इनके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद में अगला चेंज इन्होंने किया कि भैया ब्लू वेरिफिकेशन बैज ले आए, कि भैया जिसके पास में ये बैज नहीं है वो अलग से परचेज भी कर सकता है, बस हमें $8 दो और उसके बाद में ये ब्लू बैज तुम्हारा हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ कि 12 लाख लोग आज इसका सब्सक्रिप्शन लिए बैठे हैं जो कि $8 देते हैं, और उन सभी से इन्होंने एक साल के अंदर 12 करोड़ $12 कमा लिए हैं। मतलब कि अब इनको ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंट होने की, अगर थोड़े बहुत एडवर्टाइजर कम भी होते हैं तो इनकी अर्निंग इन्हीं के सब्सक्राइबर से हो रही है जो कि इन्हीं के यूजर हैं, और वो अगर एक महीने का भी लेते हैं तो भी फायदा है, कई लोगों ने तो साल साल का ले रखा है। तो इस तरीके से अब इन्होंने सीख लिया कि भैया सिर्फ एडवर्टाइजर से ही कमाई नहीं होती और चीज़ों से भी कमाई हो जाती है। फिर इसके बाद में सबसे बड़ा चेंज ये आया कि ट्विटर की जो चिड़िया थी इन्होंने उसको उड़ा दिया या सुला दिया कह लो, जिसके बाद में इन्होंने अपने ट्विटर का जो लोगो था, नाम था, उसको एक्स में बदल डाला, जो कि इनका एक बहुत पुराना सपना था कि मैं एक एक्स नाम की कोई कंपनी खोलूंगा, तो इन्होंने ट्विटर को बाय करके एक्स में बदल दिया। दरअसल ये ट्विटर को कभी भी सिर्फ सोशल मीडिया या मतलब कह लो कि सिर्फ पोस्ट डालने या ट्वीट करने वाली एक कंपनी नहीं बनाना चाहते थे, ये बनाना चाहते थे एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि हर काम कर सके, जिसके लिए ऐसा नहीं कि उस एप्लीकेशन पे वो काम होता है, इस पे वो, इस पे कहते हैं कि सभी कुछ हो सकता है, इस पे आपको वीडियो भेजनी है वीडियो भेजो, चैट करनी है चैट करो, वीडियो कॉल करनी है वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करनी है वो भी ले आएंगे, मतलब हर चीज़ इनको लानी, यहाँ तक कि भैया अब तो लोग मूवीज तक अपलोड कर देते हैं और क्या ही चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जब इन्होंने ट्विटर को बाय किया था तो इन्होंने उसको स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करवा दिया था, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे स्टॉक खरीद लिए थे, 100% कंपनी इन्होंने सिंगल ओनर बनवा दी थी जो कि एलॉन मस्क की ही थी, जिसकी वजह से अब इनके पास में पूरा कब्जा था ट्विटर के ऊपर, जो भी चेंजेस लाने हैं इनको, जो कुछ करना है अपनी मनमानी है पूरी तरीके से कर सकते थे, कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता था कि भाई ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, इतने एम्प्लॉयज क्यों निकाल दिए। हाँ, अगर थोड़े बहुत शेयर किसी और के होते तो वो शायद इन पर उंगली उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर डाला कि किसी ने इनके ऊपर उंगली ही नहीं उठाई। और पांचवी चीज इन्होंने ये करी कि भैया इन्होंने अनसेंसर्ड कर दिया सब कुछ ट्विटर के ऊपर, कि भैया तुमको फ्रीडम चाहिए ना, अनसेंसर्ड है हर चीज़ अब। हाँ, अगर आप कॉपीराइटेड मटेरियल डालते तो फिर तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप
कोई कॉपीराइटेड या किसी ने ओन की हुई चीज़ नहीं डालते हो इसके ऊपर, तो भैया आप फ्री हो, अपनी फ्रीडम का यूज़ करो, जो करना है करो और समाज को दिखा दो कि क्या गलत हो रहा है समाज के अंदर। जैसे कि कई सारी वीडियोज़ आप देखते होंगे, आप हैरान रह जाते होंगे, अच्छा वहाँ पर ये हुआ था, अब पता चला ऐसे ऐसे हुआ था। तो इस तरह से क्या होता है कि सच आपके पास में पहुँच सकता है, कोई भी आपको झूठी मूठी बातें नहीं बता सकता कि नहीं वहाँ तो ऐसा हुआ था, वहाँ तो। फिर जब असली वीडियो आपको देखने को मिल जाती तो आप समझ जाते हो कि भाई ये हुआ था। तो ये भी इन्होंने एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ पे आपको ज़्यादातर सच देखने को मिल सकता है अगर कोई डाल दे वो प्रूफ। बाकी दूसरी अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन या वेबसाइट को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप रहती है कि अच्छा भैया तुमने ये डाल दिया, इसको हटाओ, भाई नहीं 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 ये नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, अगर वो सच है सही है तो उसको दिखाया जाएगा, उसको कोई भी सेंसर्ड नहीं करेगा, ना डिलीट करेगा। सो आई थिंक एलन मस्क की नज़रों में फ्रीडम ऑफ स्पीच यही थी कि सच को दिखाया जा सके, जो कि उन्होंने एक्स के रूप में कर दिखाया और एक साल में अच्छी खासी कमाई कर डाली जिसकी हमें उम्मीद नहीं लग रही थी, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा कमाई करेंगे क्योंकि अभी भी ऐसा माना जाता है कि एक्स उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है एडवर्टाइज़र के लिए, इसी वजह से एडवर्टाइज़र थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं बजाय आगे आने के। फिर भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है जहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और कमाई अच्छी खासी इनकी हो रही है। तो ये थे वो बड़े चेंजेस जो एलन मस्क ने ट्विटर को बाय करते ही कर डाले, जिससे कि इन्होंने एक ऐसी कंपनी जो कि इनकी नज़रों में उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही थी जितना आज कमा रही है, जो कि इन्होंने किया अपने तरीके से।